This is Pratima Bahura. Today we are going to talk about abiotic factors, light. Light is an ecological factor. It is an important ecological factor. Light एक बहुत बड़ा ecological factor होता है. Direct exposure of protoplasm to light causes death. यदि protoplasm का एक्सपोजर हो जाए लाइट की तरफ तो डेथ हो जाती है. स्टिल विदाउट लाइट लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट एज इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन इसके बावजूद भी बिना लाइट के जीवन संभव नहीं है क्योंकि यह अंतिम सोर्स है ऊर्जा का. मोर ओवर द इवोल्यूशन ऑफ द बायोस्फीयर हैज़ चीफली इवॉल्व फ्रॉम द taming of incoming solar radiations, the useful wavelengths exploited and the harmful ones shielded out. Moreover, the evolution of the biosphere has chiefly evolved from the taming of incoming solar radiations. Evolution जो हुआ है biosphere का, इसके तहत हम देखते हैं कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं यानी इनकमिंग जो सन की ऊर्जा है उनको टेम किया गया है यानी उनको थोड़ा मैनेज किया गया है. द यूजफुल वेवलेंथ्स एक्सप्लॉइटेड एंड द हार्मफुल वंस शील्डेड आउट. जो काम की वेवलेंथ्स हैं उनको तो एक्सप्लॉइट किया गया है और जो हार्मफुल जो होती हैं उनको जो है बाहर जो है फेंक दिया जाता है. लाइट दस अ काइंड ऑफ रेडिएशन द विजिबल वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट जो कि एक तरह का रेडिएशन है जिसकी विजिबल वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं. दिस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम रन्स फ्रॉम वायलेट टू रेड. यह जो स्पेक्ट्रम का ये जो पार्ट है यह वॉयलेट से लेके वॉयलेट जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं. वॉयलेट कलर जो होता है स्पेक्ट्रम के सात कलर्स होते हैं उसमें से वॉयलेट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होता है और रेड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है. वेवलेंथ शॉर्टर देन वॉयलेट आर अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस. जो ऐसी वेवलेंथ जो वॉयलेट कलर से भी शॉर्ट वेवलेंथ की होती है वह वास्तविकता में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं जो कि विजिबल टू फिशेस एंड इंसेक्ट्स बट इनविजिबल टू मैन. जो कि फिशेस को और इंसेक्ट्स को दिखाई देती हैं लेकिन मैन को दिखाई नहीं देती हैं. मैन के लिए वह इनविजिबल होती है. वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड आर इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रेडिएशंस. ऐसी वेवलेंथ्स जो रेड से ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं रेड कलर से जो ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं वो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव रेडिएशंस कहलाती हैं. द एनर्जी ऑफ द सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ वन हाफ इन द विजिबल रेंज एंड अनदर हाफ इन द अनदर हाफ इन द नियर इंफ्रारेड. जो सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ पर पहुँचते हैं उनमें से वन हाफ तो विजिबल रेंज की होती है और अनदर हाफ जो है वह इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं. द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर प्रिवेंट्स द अल्ट्रा वायलेट रेज. जो अर्थ के चारों तरफ जो ओजोन की लेयर है वह अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है उनको एक्सेप्ट अ फ्यू टू रीच द अर्थ सरफेस. तो कुछ ओजोन लेयर जो है कुछ ही अल्ट्रा वायलेट रेज को छोड़कर अन्य अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने नहीं देती. इकोलॉजिकली द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लाइट are the quality, the intensity and the duration.
जो लाइट की जो महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह है पहला द क्वालिटी यानी वेवलेंथ क्या है लाइट की, द इंटेंसिटी यानी एनर्जी की इंटेंसिटी क्या है, और तीसरा है द ड्यूरेशन द लेंथ ऑफ द डे यानी दिन के कितने घंटों तक लाइट उपस्थित है और कितने घंटों तक अनुपस्थित है। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइट। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। एनिमल्स और प्लांट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनको अलग अलग विभिन्न प्रकार से रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज समवॉट विद डिफरेंट वेवलेंथ्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि फोटोसिंथेसिस की दर जो है वह वेवलेंथ भिन्न होने पर फोटोसिंथेसिस की दर भी भिन्न हो जाती है। अमंग मैमल्स कलर विजन इज वेल डेवलप्ड ओनली इन प्राइमेट्स। मैमल्स के अंदर जो कलर की पहचान है यानी कि हम कलर को देख सकते हैं पहचान सकते हैं वह प्राइमेट्स में ही पूर्ण विकसित होती है अन्य में नहीं। थर्ड है सेकंड है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कंट्रोल्स द एंटायर इकोसिस्टम थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन प्राइमरी प्रोडक्शन। जो एनर्जी की तीव्रता है वह पूरे एंटायर इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है प्राइमरी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हुए यानी प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो पूर्ण रूप से ऊर्जा की तीव्रता पर निर्भर करता है और इसी इसी के द्वारा एंटायर इकोसिस्टम कंट्रोल होता है। फोटोसिंथेसिस फॉलोज लीनियर इंक्रीज अप टू एन ऑप्टिमम और लाइट सैचुरेशन लेवल। फोटोसिंथेसिस जो है वह इंक्रीज होता रहता है विद द इंक्रीज इन द लाइट अप टू द ऑप्टिमम यानी जब तक लाइट की तीव्रता जो है ऑप्टिमम है तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा और लाइट सैचुरेशन लेवल या जहाँ तक कि लाइट सैचुरेशन लेवल तक पहुँचती है तब तक फोटोसिंथेसिस का लीनियर इंक्रीज शो करेगा। इंडिविजुअल प्लांट्स एंड कम्युनिटीज एडॉप्ट टू डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज बाय बिकमिंग शेड अडेप्टेड। कुछ इंडिविजुअल प्लांट्स और कम्युनिटीज ऐसे होते हैं जो डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज को प्रेफर करते हैं बिकमिंग शेड अडेप्टेड यानी वह छाया में उगने वाले छाया को एडॉप्ट करने वाले कुछ ऐसे इंडिविजुअल प्लांट्स और कम्युनिटीज होती हैं जिनको कि लाइट की तीव्रता बहुत कम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है रीचिंग सैचुरेशन एट लो इंटेंसिटीज और सन अडेप्टेड। या तो वह शेड अडेप्टेड होते हैं या सन अडेप्टेड होते हैं। तो ऐसी भिन्न प्लांट्स और कम्युनिटीज हैं जो कि शेड में उगती हैं कुछ तो और कुछ को बहुत तेज धूप चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी डिफरेंस यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वह शेड अडेप्टेड होती है और कुछ की सन अडेप्टेड होती है। फाइटोप्लैंकटन अदर देन डाई एटम्स आर शेड अडेप्टेड एंड फोटोसिंथेसिस इन देम आर वेरी मच इनहिबिटेड बाय लाइट इंटेंसिटीज। फाइटोप्लैंकटन और दूसरे डाई एटम्स अदर देन डाई एटम्स जो हैं डाई एटम्स को छोड़ के फाइटोप्लैंकटन जो हैं वह शेड अडेप्टेड होते हैं यानी छाया में उगने वाले होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस इन देम आर वेरी मच इनहिबिटेड बाय लाइट इंटेंसिटीज। और फोटोसिंथेसिस जो है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित या कम हो जाता है लाइट की इंटेंसिटी के साथ में। पीक प्रोडक्शन इन द सी अकर्स बिलो रादर देन
एट द सरफेस। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो समुद्र में पाया जाता है वह सरफेस से कहीं ज़्यादा नीचे होता है। सरफेस पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता, वनस्पति की नीचे वाले सरफेस से नीचे वाले जो एरिया में है वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। डायटम्स ऑन द अदर हैंड, फाइटोप्लैंकटन तो शेड अडेप्टेड होते हैं, लेकिन डायटम्स जो है वह सन अडेप्टेड होते हैं एंड शो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लेस देन 5% ऑफ फुल सनलाइट। यह मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तब शो करते हैं जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वह सनलाइट का केवल 5% कम होती है। फुल सनलाइट का 5% कम होगी तब वह मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। थर्ड लाइट की जो कैरेक्टर है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट। द ड्यूरेशन ऑफ लाइट और फोटो पीरियोडिसिटी रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द डे एंड द डार्क पोर्शन ऑफ द 24 आवर डे। ड्यूरेशन ऑफ लाइट या फोटो पीरियोडिसिटी यानी लाइट पूरे दिन में कितने घंटों तक रही, इसको हम फोटो पीरियोडिसिटी कहते हैं। और या लेंथ ऑफ द लाइट वही है, यानी कि लेंथ ऑफ द लाइट एंड डार्क पोर्शन में 24 आवर्स में दोनों में कितना डिफरेंस रहा। चेंज इन डे लेंथ प्रोवाइड्स ऑर्गेनिज्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवांस ऑफ द सीजन्स। जो लाइट की लेंथ में जो चेंज होता है यही ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन के बारे में हमें शो करता है कि सीजन इज गोइंग टू एडवांस ऑफ द सीजन या सीजन चेंज हो रहा है। सो दैट दे कैन शेड्यूल देयर लाइफ हिस्ट्री इवेंट्स। तो इसी तरह से वह अपने लाइफ हिस्ट्री इवेंट्स को जो है शेड्यूल को जो है वो चेंज कर सकें या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें, जैसे ब्रीडिंग कंडीशंस एंड अदर एक्टिविटीज एट द अप्रोप्रिएट सीजन। यानी कि जो ब्रीडिंग कंडीशंस हैं या दूसरी उनकी जो एक्टिविटीज़ है वह जो है उस डे टाइम के साथ में शेड्यूल बना सके अपना। इन केस ऑफ द प्लांट्स फोटो पीरियड में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमिंग ऑफ द मैनी इवेंट्स इंक्लूडिंग फ्लावरिंग। प्लांट्स के साथ में फोटो पीरियड जो है यह सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है कुछ घटनाओं के लिए, जिसके अंदर से सबसे महत्वपूर्ण घटना है फ्लावरिंग की। शॉर्ट डे प्लांट्स रिक्वायर लेसर लेंथ डेज टू कम इनटू फ्लावर। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, उनको फ्लावरिंग के लिए कम लाइट लेंथ ऑफ द डे चाहिए, यानी पूरे दिन में लाइट की लेंथ जो है वो कम टाइम के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल सोयाबीन, क्राइसेंथेमम, वॉयलेट एक्सेट्रा। लॉन्ग डे प्लांट्स नीड डे लेंथ लॉन्गर टू कम इनटू फ्लावर। लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं उनको लेंथ ऑफ द लाइट, दे रिक्वायर मोर लेंथ ऑफ द लाइट टू बिकम इनटू फ्लावर। फ्लावरिंग के अंदर इनको लेंथ ऑफ द लाइट जो है वह ज़्यादा चाहिए। एग्जाम्पल है इवनिंग प्रिम रोज, स्पिनेच, वीट ग्रास एक्सेट्रा। लाइट इन रिलेशन टू वाटर। वाटर लेयर्स अफेक्ट लाइट इंटेंसिटी। वाटर लेयर अगर होगी तो वह लाइट की इंटेंसिटी को प्रभावित करती है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। यानी पानी के अंदर, ख़ास तौर से पानी के अंदर यानी जो वाटर बॉडीज़ है उनके अंदर लाइट की इंटेंसिटी
जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे वाटर बॉडी, पॉन्ड, लेक, सी, ओशन, इनके अंदर जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। लाइट पेनिट्रेशन इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द टर्बिडिटी, सॉल्यूट कंटेंट, मोशन ऑफ वाटर, प्लैंकटन ग्रोथ एक्सेट्रा। लाइट पेनिट्रेशन केवल डेप्थ से ही प्रभावित नहीं होती, कुछ और जो कारण भी होते हैं जिससे कि लाइट पेनिट्रेशन प्रभावित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल है टर्बिडिटी, उसके अंदर कितने घुलनशील यानी टर्बिड यानी कितनी वो धुंधला पानी है, सॉल्यूट कंटेंट कितने हैं उसमें, मोशन ऑफ वाटर, पानी मूविंग है या स्टैंडिंग है, खड़ा है पानी या बह रहा है, उसके अंदर प्लैंकटन ग्रोथ कितनी है एक्सेट्रा, यह सभी जो है लाइट पेनिट्रेशन को प्रभावित करते हैं। दस सबमर्स्ड प्लांट्स रिसीव वीकर इल्यूमिनेशन देन द एक्सपोज्ड प्लांट्स। सबमर्स्ड जो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लाइट की इंटेंसिटी, उनको थोड़ी लाइट कम प्राप्त होती है वनस्पत की एक्सपोज प्लांट्स के, या फ्लोटिंग ऑन द सरफेस वाटर या जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं प्लांट्स, वह ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है लाइट की उनको, और जो सबमर्ज हैं यानी कि पानी में जो डूबे हुए हैं प्लांट्स, उनको लाइट का जो है प्रभाव या लाइट की इंटेंसिटी कम प्राप्त होती है। फंक्शंस ऑफ लाइट इन प्लांट्स। लाइट वैसे भी जो है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला, प्लांट्स की लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करने वाला एबायोटिक फैक्टर है। दस इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस। यह प्लांट्स को कुछ कुछ प्लांट्स के कुछ फंक्शंस को बहुत प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल पहला कारण है। मोस्ट प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए सनलाइट का होना अत्यधिक है, अत्यधिक ज़रूरी है। लाइट इज दस एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एज अ होल। लाइट जो है फूड प्रोडक्शन के लिए, या यूँ कहेंगे कि धरती पर जो लाइफ यानी जीवन जो चल रहा है धरती पर, वह प्रोडक्शन ऑफ फूड पर या क्लोरोफिल के फॉर्मेशन पर ही निर्भर है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल पूर्ण रूप से लाइट से प्रभावित होता है। ट्रांसपिरेशन सेकेंड। प्लांट्स एक्सपोज टू लाइट रेयर्स देयर टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। जो प्लांट्स लाइट को एक्सपोज है उनके अंदर टेम्परेचर को देख के वृद्धि होती है, और टेम्परेचर की वृद्धि के साथ में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वह बढ़ जाता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन इज दस अफेक्टेड ड्यू टू द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ट्रांसपिरेशन रेट्स। जैसे ही ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल वह भी बढ़ जाएगा। दिस में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्राई हैबिटेट, और इससे ड्राई हैबिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ड्राई हैबिटेट बन जाती है। थर्ड है स्टोमेटल रेगुलेशन होता है लाइट से। लाइट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड इज दस रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लाइट जो है वह पत्तियों पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को भी रेगुलेट करता है, और स्टोमेटा के रेगुलेशन से ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन रेगुलेट होते हैं, स्वतः ही ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन रेगुलेट हो जाते हैं। फोर्थ है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन में भी लाइट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वेरीज
with the latitude, and it is probable one of the reason for the varied vegetation at different parts of the world. Light intensity यानी light की तीव्रता विभिन्न जगहों पर या विभिन्न latitudes पर भिन्न भिन्न होती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड के विभिन्न भागों पर वेजिटेशन में जो भिन्नता पाई जाती है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है. इन केस ऑफ अ वाटर बॉडी द फाइटोप्लैंकटन गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट द एरिया वेयर द रेडिएशन ऑफ द सन इज स्ट्रॉन्गेस्ट. अगर हम वाटर बॉडी को देखें यानी कि पॉन्ड लेक समुद्र को देखें, तो जहाँ पे सन की स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन है वहाँ पे फाइटोप्लैंकटन कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ वह फाइटोप्लैंकटन सघन रूप से पाए जाएंगे. इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द फाइटोप्लैंकटन टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यूरिंग डे टाइम. और यही एक रीज़न है कि फाइटोप्लैंकटन दिन के अंदर जब सरफेस पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो फाइटोप्लैंकटन सरफेस पर मैक्सिमम सरफेस पर पानी के सरफेस पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे. नेक्स्ट है प्लांट क्लासिफिकेशन. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट. लाइट के रिक्वायरमेंट पे यानी लाइट प्लांट्स को लाइट कितनी चाहिए उस बेसिस पे हम प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. हेलियोफाइट्स ग्रो बेस्ट इन फुल सनलाइट एंड सीजियोफाइट्स ग्रो बेस्ट एट लोअर लाइट इंटेंसिटी. तो हेलियोफाइट्स जो है जहाँ सन की तीव्रता होगी वहाँ पे ग्रो करते हैं, और साइजोफाइट्स वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ लाइट की इंटेंसिटी या लाइट की तीव्रता थोड़ी कम है. इन कंपैरिजन टू साइजोफाइट्स हेलियोफाइट्स शो थिकर स्टेम्स मोर फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट रूट्स लॉन्गर हायर रेस्पिरेशन रेट लो वाटर कंटेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेट्रा. हीलियोफाइट्स जो है साइजोफाइट्स की बनस्पत जो है उनके थिकर स्टेम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं अत्यधिक, रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, लो वाटर कंटेंट पाया जाता है, पानी कंटेंट कम होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट और शुगर जो है उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता अधिक होती है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एक्सेट्रा. नेक्स्ट है फोटोपीरियडिज्म. फोटोपीरियड द टोटल लेंथ ऑफ द डे पीरियड टू विच प्लांट्स आर एक्सपोज्ड, यानी टोटल लेंथ ऑफ द डे लाइट जब वह प्लांट्स जो है वह लाइट की तरफ एक्सपोज हैं, दिस इज नोन एज फोटोपीरियड. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स बाय अफेक्टिंग स्टेम इलोंगेशन फ्लावरिंग फ्रूट डेवलपमेंट एक्सेट्रा. फोटोपीरियड ही एक ऐसा तथ्य है जो ही डिसाइड करता है कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स का कैसा होगा. लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्धारित करते हैं कि स्टेम इलोंगेशन, यह स्टेम इलोंगेशन को प्रभावित करता है, फ्लावरिंग को प्रभावित करता है, और फ्रूट डेवलपमेंट यानी फ्रूट्स का परिवर्धन जो है उनको भी यह प्रभावित करता है. ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियड प्लांट्स मे बी फोटोपीरियड के आधार पर प्लांट्स जो है वह दो प्रकार के हो सकते हैं. शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जो कि एग्जांपल है साल्विया, धतूरा, कैनाबिस,
कॉस्मोस एक्सेट्रा। एंड लॉन्ग डे पी प्लांट्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल है ब्रासिका, सिशेलिया, सॉर्गम एक्सेट्रा। फोटोसिंथेटिक सेवेंथ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी वेरीज विद द डायगोनल लाइट इंटेंसिटी, यानी फोटोसिंथेसिस कितनी तीव्रता से होगा, तो यह डायगोनल लाइट इंटेंसिटी से प्रभावित होता है। द पीक एफिशिएंसी इज अटेंड एट 2 PM, सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा दिन के 2 बजे, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज मोस्ट प्रोफाउंड, उस समय लाइट की तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी उस समय मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। लाइट प्लेज एन इफेक्टिव रोल ऑन द एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स विच आर, लाइट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनिमल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के अंदर। उसमें से मुख्य कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं। पहला पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय लाइट थ्रू इट्स हीटिंग इफेक्ट ऑन टिश्यूज, क्योंकि लाइट जो है वह एक हीटिंग इफेक्ट, यानी बहुत टिश्यूज को हीट कर देता है, और इसी से एनिमल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होती है। इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इन डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। लाइट की तीव्रता या लाइट जो है वह एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है एंड इन डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, और सॉल्ट्स और मिनरल्स कितनी डिग्री से सॉल्युबल होंगे उसको भी प्रभावित करता है। एनिमल्स रिजाइडिंग इन केव्स शो स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो एनिमल्स केव्स में रहते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकोमोशन। एनिमल्स को प्रभावित लाइट लोकोमोशन के द्वारा भी करता है। लोकोमोशन इन सम लोअर एनिमल्स इज रेगुलेटेड बाय लाइट। जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें लोकोमोशन जो है वो लाइट से प्रभावित होता है। अ फिनोमिना नोन एज फोटोकाइनेसिस, जिसको कि हम फोटोकाइनेसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड लार्वी ऑफ मसेल क्रैब मूव्स एट अ फास्टर रेट व्हेन एक्सपोज टू एन इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। ब्लाइंड लार्वी, जो मसेल क्रैब के ब्लाइंड लार्वी होते हैं, वह जब लाइट इंटेंसिटी को एक्सपोज किए जाते हैं, इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी की तरफ एक्सपोज किए जाते हैं, तो वह तेज़ी से मूव करने लगते हैं। लोकस स्टॉप देयर फ्लाइट व्हेन द सन गेट्स हिडन बाय द क्लाउड्स। लोकस जो है जब सन छुप जाता है क्लाउड्स के पीछे, तो लोकस जो है वो उड़ना बंद हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्सिक। इस तरह का मूवमेंट एनिमल्स का जो कि लाइट से प्रभावित होता है, इट इज़ नोन एज फोटोटैक्सिक, एंड सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड फोटोटैक्टिक्स, और इस तरह के मूवमेंट को फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। सम एनिमल्स लाइक यूग्लिना एक्सेट्रा आर सेड टू बी पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक एज दे मूव टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। यूग्लिना जो है वह पॉजिटिव फोटोटैक्टिक कहलाता है, क्योंकि यह ऊर्जा के स्रोत की तरफ मूव करने लगता है। अदर्स लाइक अर्थवॉर्म, दूसरे जो एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, स्लग्स, कोपेपॉड्स एक्सेट्रा, दे मूव अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड आर दस नोन एज निगेटिव फोटोटैक्टिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, स्लग्स और कोपेपॉड्स निगेटिव फोटोटैक्टिक कहलाएंगे, क्योंकि वह ऊर्जा के स्रोत से दूर भागने लगते हैं। सम एनिमल्स लाइक द पॉलिप्स ऑफ मैनी सिलेंट्रेट्स
शो मूवमेंट ओनली अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन रेस्पॉन्स टू लाइट एंड आर दस टर्म्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। कुछ एनिमल्स जैसे पॉलिप्स हैं, कुछ सिलेंट्रेट्स के, उनकी बॉडी का कुछ पार्ट ही मूव होता है लाइट की रेस्पॉन्स में, और इस तरह के मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। द गोनड्स इन सम बर्ड्स बिकम एक्टिव विद इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी। लाइट की तीव्रता के साथ में कुछ बर्ड्स के गोनड्स की एक्टिविटी भी तीव्र हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। दस लाइट इनिशिएट्स ब्रीडिंग एक्टिविटीज, और इस तरह से लाइट जो है वह ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देती है। सम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, डियर एक्सेट्रा आर शॉर्ट डे एनिमल्स एंड दे कैन बी ब्रॉट टू सेक्शुअल एक्ट बाय डिक्रीजिंग द लाइट ऑफ एक्सपोजर टू डे लाइट। कुछ शीप, गोट, डियर जो हैं वह शॉर्ट डे एनिमल्स हैं, जो कि डिक्रीज्ड उनकी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ जो है अगर लाइट के एक्सपोजर की डे टाइम को कम करते हैं तो वह सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। एनिमल्स लाइक स्टारलिंग्स, टर्कीज एक्सेट्रा आर लॉन्ग डे एनिमल्स। स्टारलिंग, टर्कीज ये लॉन्ग डे एनिमल्स हैं, वाइल स्क्विरल्स, गिनी पिग्स एक्सेट्रा आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ लाइट एक्सपोजर। तो कुछ शॉर्ट डे एनिमल्स हैं, कुछ लॉन्ग डे एनिमल्स हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे स्क्विरल, गिनी पिग, इनका लाइट के एक्सपोजर पर, लेंथ ऑफ द लाइट के एक्सपोजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट। द लार्वा ऑफ सैल्मन अंडरगोस नॉर्मल डेवलपमेंट व्हेन एक्सपोज्ड अंडर सफिशियंट लाइट कंडीशंस। जब सफिशियंट यानी जितनी लाइट चाहिए उतनी सफिशियंट लाइट हो, तब सैल्मन का लार्वा, सैल्मन के लार्वा जो हैं वह नॉर्मल परिवर्तन शो करते हैं। हाउएवर रैपिड मोर्टेलिटी टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन जब लाइट नहीं होती है तो मोर्टेलिटी तेज हो जाती है। स्मोल्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन फिशेस इज इनहिबिटेड इनिशिएटेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेली फोटो पीरियड। जो फिशेस के स्मोल्ट है उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनिशिएट हो जाता है एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डेली फोटो पीरियड। अगर हम डेली फोटो पीरियड के रेट को चेंज कर दें तो फिशेस को जो स्मोल्ट है वो ट्रांसफॉर्म होना इनिशिएट हो जाते हैं। द लार्वा ऑफ माइटिलस डेवलप्स बेटर इन डार्कनेस देन इन लाइट। तो माइटिलस का जो लार्वा है वह लाइट में, डार्कनेस में ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है बनस्पति की लाइट में। आइस नेक्स्ट है। आइस पे क्या प्रभाव पड़ता है लाइट का? इन केस ऑफ केव ड्वेलिंग प्रोटियस एंग्यूनियस द डीप सी फिशेस द आइज आर टोटली एब्सेंट और रूडिमेंट। जो केव ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि जो गुफाओं में रहने वाले एनिमल्स होते हैं या डीप सी फिशेस होती हैं यानी कि समुद्र के तले पर पाए जाने वाली फिशेस होती हैं, उनके अंदर आइज या तो एब्सेंट होती हैं यानी अनुपस्थित होती हैं या रूडिमेंट्री होती हैं यानी केवल उनका जो है मार्क होता है शरीर पे कि यहाँ आइज पाई जाती है। तो दिस अकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट इन दीज हैबिटेट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन हैबिटेट में लाइट पहुँचना असंभव काम है या लाइट होती ही नहीं है। सम डीप सी फिशेज डू हैव लार्जर आइज देन द नॉर्मल साइज टू कैप्चर एनी रे ऑफ लाइट दैट माइट बी प्रेजेंट। कुछ डीप सी फिशेस के अंदर जो है आईज बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, वह इसलिए कि हो सकता है कोई रे ऑफ लाइट आ जाए उसको कैप्चर करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए कुछ फिशेस के अंदर
आईज जो है वो लार्ज होती है। हाउएवर देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ कोन्स इन दीज आईज, जबकि इन आँखों इनकी आँखों के अंदर कोन्स अनुपस्थित पाए जाते हैं, टोटल कोन्स अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है विजन, विजन पर लाइट का क्या प्रभाव होता है। मोस्ट एनिमल्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स एंड डिफ्रेंशिएट कलर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ज़्यादातर एनिमल्स और ज़्यादातर एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स को देखना यानी कोई भी चीज़ों को देखना या कलर को डिफ्रेंशिएट करना यह लाइट की प्रेजेंस में ही या लाइट जब उपस्थित हो उसकी प्रेजेंस में ही ऐसा हो सकता है। हाउएवर विजन इज रिड्यूस्ड इन नॉक्टर्नल एनिमल्स, विजन पूर्ण रूप से नॉक्टर्नल एनिमल्स में अनुपस्थित होता है व्हेन दे आर एक्सपोज टू सफिशिएंट लाइट कंडीशंस, जब वह लाइट कंडीशंस सफिशिएंट लाइट कंडीशन में जो एक्सपोज किए जाते हैं उनके अंदर विजन जो है कमी होता है नॉक्टर्नल एनिमल्स में। सेवेंथ पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम सिंथेसिस इन बोन्स रिक्वायर सनलाइट। हड्डियों के अंदर कैल्शियम का बनना यह सनलाइट पर या लाइट पर निर्भर करता है। द बोन्स ऑफ डीप सी फिशेस आर ब्रिटल एज दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज कैल्शियम ड्यू टू द टोटल एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जो गहरे तल में समुद्र के गहरे तल में जो फिशेस रहती हैं उनकी हड्डियां जो है वो बहुत ब्रिटल होती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के तले पर लाइट अनुपस्थित होती है और लाइट की अनुपस्थिति में कैल्शियम का सिंथेसिस संभव नहीं है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन इन एनिमल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि पिगमेंटेशन या मेलानिन का बनना जो है वह पूर्ण रूप से लाइट पर प्रभावित लाइट से प्रभावित होता है। कलरेशन एंड मिमिक्री आर बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कलरेशन जो है वो एनिमल्स का कलर और मिमिक्री करना एनिमल्स का यह पूर्ण रूप से लाइट की प्रेजेंस में ही प्रभावित होता है, लाइट की प्रेजेंस से ही प्रभावित होता है। नाइन्थ है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म ऑन द टोटल लाइट पीरियड हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एनिमल्स थ्रू सच प्रोसेसेस एज गोनेडल एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, मेटामॉर्फोसिस, माइग्रेशन एक्सेट्रा। फोटोपीरियडिज्म का यानी टोटल लाइट पीरियड का एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और एनिमल्स प्रभावित होते हैं तो उनकी कुछ एक्टिविटीज़ इससे प्रभावित होती है, जैसे कि गोनेडल एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन यानी परिवर्धन, मेटामॉर्फोसिस रिप्रोडक्शन मतलब जनन, मेटामॉर्फोसिस यानी परिवर्धन, माइग्रेशन यानी एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना एक्सेट्रा। यह सभी एक्टिविटीज़ जो है वह फोटोपीरियडिज्म से प्रभावित होती हैं। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस आर नोन टू बी अफेक्टेड बाय फोटोपीरियडिज्म। माइग्रेशन जो बर्ड्स और फिशेस में होता है यह फोटोपीरियडिज्म के कारण ही होता है। अर्ली मैचुरेशन इन सर्टेन कैट फिशेस सीम्स टू बी इंड्यूस्ड बाय लॉन्गर पीरियड ऑफ डे। जो पहले ही मैचुरेशन हो जाना कुछ कैट फिशेस में ऐसा देखने को मिलता है यह लॉन्गर पीरियड ऑफ डे से प्रभावित होता है या लॉन्गर पीरियड ऑफ डे से शुरुआत होती है, इंड्यूस होता है अर्ली मैचुरेशन का होना। नेक्स्ट है टेंथ पॉइंट है विटामिन डी फॉर्मेशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन प्लेज अ रोल इन विटामिन डी प्रोडक्शन इन एनिमल्स। विटामिन डी का बनना एनिमल्स के अंदर यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वह
वह बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है विटामिन डी के प्रोडक्शन में। इसके साथ ही थैंक यू।